और पाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सेन समाज की शोभा यात्रा में सांड घुसा। सांड के घुसने के बाद यहां किस तरह अफरा तफरी मची, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेन समाज की शोभा यात्रा यहां निकल रही थी, बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर थी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इसी दौरान सांड इस शोभा यात्रा में घुसा है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिस तरह से सांड अचानक आया, करीब 4 लोग घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बेहद अहम तस्वीर है कि अचानक ही यहां सांड घुस गए और हमला कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये किस तरह से महिलाओं को रौंदता हुआ सांड वहां से निकला। हालांकि बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन बता दें आपको, ये सेन समाज की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान सांड शोभा यात्रा में घुसा और रौंदते हुए आगे निकला है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज उनका जारी है। नवलखा रोड पर यह हादसा हुआ, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी। नवलखा रोड है और पूरी रोड भरी हुई थी, इसी दौरान सांड बीच में घुस गया और लोगों को रौंदते हुए उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता गया। और आगे ये तस्वीरें भी, जब महिलाएं यहां पर मौजूद थी उनके बीच में भी घुसा, महिलाएं भी जख्मी हुई हैं, करीब 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और संवाददाता पन्नालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पन्नालाल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से शोभा यात्रा निकल रही थी और ये सांड अचानक घुस गया, लेकिन सांड आया कहां से, ये एक अहम सवाल। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये उस समय जब शोभा यात्रा जो है गोल निमड़ा क्षेत्र से लेकर गुलजार चौक की तरफ जा रही थी, तभी इसी रास्ते की 2 से 3 गलियां थी, सांड इन्हीं गलियों में से निकला था एक, और सभी शोभा यात्रा में लोगों को सूचित करते हुए आगे निकला। जितना आप वीडियो में देख सकते हैं, 3-4 महिलाएं सामने से आ रही थी, उनको भी टक्कर मारी है। उसके बाद जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ी थी, उनके बीच में सांड जिस जिस रास्ते से निकला उसमें करीबन काफी लोगों को घायल करते हुए आगे निकल गया। लेकिन जिस तरह से सांड घुसा और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ा, पन्नालाल, ऐसा लग नहीं रहा कि सिर्फ 4 ही लोग घायल हुए होंगे? नहीं बिल्कुल, इसमें काफी जैसे जैसे घायल हुए उनमें शोभा यात्रा में जो युवा थे, आदमी थे, उन्होंने आगे से आगे आवाज दी, भैया सांड आ रहा है पीछे, तो उसके हिसाब से काफी जो लोग है हट गए, और जिसकी वजह से ये जो है पहले हमला हुआ उसी में से ये 4-5 जो बैंड वाले थे और एक महिला थी उसमें, वो गंभीर घायल है, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिल्कुल, बांगड़ अस्पताल में भर्ती किया गया। पन्नालाल, क्या सभी ठीक है, ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं? नहीं, ज्यादा गंभीर नहीं, उनके सर में और हाथ में थोड़ी चोटें हैं, जिनका उपचार अभी जारी है। चलिए, शुक्रिया पन्नालाल जानकारी के लिए। तो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, सेन समाज की शोभा यात्रा, ये तस्वीर देखिए। शोभा यात्रा जारी थी, नवलखा रोड है ये, काफी कंजेस्टेड रोड, लेकिन पूरी रोड भरी हुई थी। इसी बीच सांड घुसता है और उसे आगे बढ़ता है, कुछ महिलाएं वहां पर खड़ी थी उन्हें भी रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया। हालांकि 4 लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, बांगड़ अस्पताल में उनका इलाज जारी है, कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं है।